Now next one, इस session में जस्ट डिस्कस करेंगे important constructors are provided by string class. String class के अंदर कई सारे constructors available हैं. Different different constructors का main purpose क्या है? Converting specific type of contents into equivalent string objects. For examples, just one by one discuss करेंगे first constructors. फर्स्ट कंस्ट्रक्टर्स के केस में आर्गुमेंट टाइप क्या है स्ट्रिंग. सपोज अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग लिटरल अवेलेबल, अगर इसे स्ट्रिंग लिटरल के इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, यूज क्या करोगे? वन आर्गुमेंट और स्ट्रिंग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो कि अभी तक प्रीवियस केसेस में क्रिएट किया था, जस्ट लाइक दैट स्ट्रिंग एस. अगर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है फॉर गिवन स्ट्रिंग लिटरल, इस कॉल क्या कराना है इस केस में? वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, आर्गुमेंट टाइप क्या लेना है इस केस में? स्ट्रिंग. सपोज अगर कंस्ट्रक्टर्स में मैंने कोई भी स्ट्रिंग लिटरल पास किया इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स, इसका इक्विवेलेंट न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप मेमोरी, देन इस केस में कॉल क्या हो रहा है? वन आर्गुमेंट और स्ट्रिंग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स के लिए जो कि प्रीवियस केसेस में यूज किया था, जस्ट नथिंग न्यू. सेकेंड केस में बात कर रहे हैं सेम मिस इस पर्टिकुलर केस में कंस्ट्रक्टर्स का आर्गुमेंट टाइप क्या है? कैरेक्टर एरे. कैरेक्टर एरे आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर का जस्ट यूज किया. सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी कंटेंट्स कैरेक्टर एरे के फॉर्म में अवेलेबल है, देन आपको कैरेक्टर एरे का इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यूज क्या करेंगे इस केस में? कैरेक्टर एरे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, सपोज दैट वी आर हैविंग कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे, असाइन किया ने लाइक वन बाई वन कैरेक्टर्स, ए कैरेक्टर बी कैरेक्टर सी. इस फाइंड से एरे के अंदर टोटल कितने कंटेंट असाइन हो रहे हैं? थ्री कंटेंट. मीन्स इसके इक्विवेलेंट अगर बात करें इसके इसमें क्रिएट क्या हुआ है? सम एरे. इसे एरे के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने असाइन हुए? ए बी सी. जस्ट नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे अबाउट एरे. इन दैट केस पर्टिकुलर से एरे का एड्रेस किस में असाइन हो रहा है? रेफरेंस वेरिएबल ए. अगर इसे एरे का इक्विवेलेंट मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसे सी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए कैरेक्टर एरे के फॉर्म में स्ट्रिंग से डायरेक्टली इनिशियलाइज करना पॉसिबल होता है आपके लिए, लाइक दैट. अगर किसी एरे में ए बी सी असाइन करना है तो डायरेक्टली इस टाइप से ए बी सी असाइन करना पॉसिबल. अगर इसे स्टेटमेंट को आप जावा में कंपाइल करो तो रिस्क क्या होगा? कंपाइल टाइम एरर, मीन्स इनवैलिड स्टेटमेंट, बिकॉज ए क्या है? रेफरेंस ऑफ एरे टाइप. लेकिन डबल कोट्स क्या रिप्रेजेंट होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास. स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट को कैरेक्टर एरे में डायरेक्टली स्टाइप से इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है. इस अगर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, देन इस केस में यूज क्या करेंगे? कैरेक्टर एरे आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर्स लाइक दैट. मीन्स इस कंस्ट्रक्टर्स का जस्ट मेन पर्पज क्या है? किसी भी कैरेक्टर एरे के लिए, गिवन कैरेक्टर एरे के लिए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कराना, देन इस केस में सिंपली यूज क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टर सप्लाइड बाई ए, बिकॉज ए क्या इसके में एज आर रेफरेंस ऑफ कैरेक्टर एरे. इस केस में जैसे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इस केस में क्रिएट न्यू कीवर्ड से क्रिएट किया रहा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स. मीन सिंपली एस क्या है? एस इज अ लोकल वेरिएबल. इसका इक्विवेलेंट न्यू कीवर्ड से जब भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इनसाइड हीप एरिया, देन हीप एरिया के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट में कॉपी क्या हो जाएंगे? कंटेंट्स ऑफ गिवन एरे. मीन्स इस एरे ए के अंदर जो भी कंटेंट्स कैरेक्टर्स के फॉर्म में अवेलेबल है वन बाई वन, ये सारे के सारे कैरेक्टर कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए? इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ए देन बी देन सी. मीन्स एरे में जितने भी कंटेंट्स प्लेस्ड हैं सारे के सारे कंटेंट्स कॉपी किस में हो रहा है? इनसाइड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. देन इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है? 100. फाइनली न्यू कीवर्ड रिटर्न क्या करेगा इसके इसमें? क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस विच इज असाइन टू द रेफरेंस वेरिएबल एस. नाउ एस इज पॉइंटिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. देन मैं अगर इस प्लेस पर प्रिंट करा तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सिंपली एस. एस में क्या स्टोर है? एस जैसे स्ट्रिंग को पॉइंट कर, जैसे स्ट्रिंग में कंटेंट्स क्या स्टोर है? ए बी सी. फाइनली इस कोड का इक्विवेलेंट आउटपुट क्या जनरेट होगा? सिंपली ए बी सी. इस टाइप से किसी भी कैरेक्टर एरे के लिए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना पॉसिबल. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर एरे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स. नेक्स्ट वन, सेम केस इन केस ऑफ बाइट एरे. अगर आपके पास एरे कैरेक्टर्स एरे के फॉर्म में ना हो गए और बाइट एरे के फॉर्म में अवेलेबल है लाइक दैट, इस केस में एरे का टाइप क्या? बाइट एरे. जरूरी नहीं आप डायरेक्टली कैरेक्टर सेंड करोगे. सपोज दैट ए के प्लेस पर मैंने पास किया 65, देन बी और सी अगर मैं डायरेक्टली पास करता हूँ, बी का आस्की वैल्यू क्या है? 66. सी का आस्की वैल्यू क्या है? 67. इस केस में एरे का टाइप क्या? बाइट है. देन आपको ऑलरेडी पता है बाइट के केस में इसका रेंज क्या रहता है? मैक्सिमम रेंज इज 127, मिनिमम रेंज -128 टू +127. मीन्स इस केस में ऐसा कोई भी कैरेक्टर पास कर सकते हो जिसका आस्की वैल्यू या तो 127 से छोटा या 127 के इक्विवेलेंट है.
देन फाइनली अगेन इस केस में अगर आउटपुट की बात करें, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, सेम मीन्स प्रीवियस केस में ए क्या था, कैरेक्टर एरे, लेकिन इस केस में ए क्या, बाइट एरे। सपोज अगर आपके पास कंटेंट्स बाइट एरे के फॉर्म में अवेलेबल है, देन बाइट एरे का इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना, देन अगेन यूज क्या करेंगे, बाइट एरे आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन फोर्थ केस, सपोज दैट अगर आपके पास स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर टाइप का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, फोर्थ केस में कंस्ट्रक्टर टाइप का स्ट्रिंग बफर, अगर आपके पास स्ट्रिंग बफर क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है लाइक दैट, स्ट्रिंग बफर स्पेशली यहां रखना, स्ट्रिंग बफर के केस में डायरेक्टली इसको इस टाइप से इनिशियलाइज करना पॉसिबल नहीं है, इट इज इनवैलिड केस। में डबल कोट्स के केस में ओनली स्ट्रिंग टाइप के रेफरेंस को इनिशियलाइज करना पॉसिबल, नॉट द स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। जस्ट नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर इन डिटेल्स, करेंटली ओनली कॉन्सेंट्रेट क्या करना आपको, कंस्ट्रक्टर्स। स्ट्रिंग बिल्डर को इनिशियलाइज करने का वे क्या रहेगा, न्यू स्ट्रिंग बफर। देन अगर आपके पास स्ट्रिंग बफर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, प्लस इस ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या स्टोर है, ए बी सी, इस एस बी क्या, इसके इसमें रेफरेंस वेरिएबल, इसके इसमें न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस न्यू ऑब्जेक्ट में कंटेंट्स क्या साइन हो रहे हैं, ए बी सी, प्लस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इनसाइड हीप एरिया, प्लस इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में साइन हो रहा है, रेफरेंस एड्रेस किस में साइन हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल एस बी, एस बी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। सपोज मीन्स करेंटली ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग बफर टाइप, अगर सॉरी स्ट्रिंग बफर का अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और गिवन स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना, देन यूज क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स लाइक दैट, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, अगर आप इस केस में डायरेक्टली असाइनमेंट करोगे स्टेटमेंट या असाइनमेंट कैसा इनवेलिड, क्या इस केस में कंपाइल टाइम एरर, इनकॉम्पटेबल टाइप्स फाउंड स्ट्रिंग बफर रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। क्लियर। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स के हेल्प से इनिशियलाइज करना पॉसिबल, क्या स्ट्रिंग क्लास ने प्रोवाइड किया स्ट्रिंग बफर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, देन इस केस में स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यूज क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास, प्लस इस कंस्ट्रक्टर में पास क्या करोगे, एस बी। इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, प्रीवियस केस में ऑब्जेक्ट किसका था, स्ट्रिंग क्लास का, इस केस में अगेन न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा, इस न्यू ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास, प्लस इसका एड्रेस किस में साइन हो जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल एस, एस इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। अगर आप इस केस में डिस्प्ले कराते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, एस जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इसमें कंटेंट्स क्या स्टोर है, ए बी सी। फाइनली इस केस में अगेन आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए बी सी। क्लियर। सेम एज इन केस ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, सिमिलर टाइप, अगर आपका सपोज स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, स्ट्रिंग बिल्डर का इक्विवेलेंट अगर आपको स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, देन अगेन आप यूज क्या करोगे, स्ट्रिंग बिल्डर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ स्ट्रिंग क्लास। अगेन प्रीवियस केस में एस वी किस टाइप का ऑब्जेक्ट था, स्ट्रिंग बिल्डर, इस केस में सॉरी स्ट्रिंग बफर, इस केस में एस वी का टाइप क्या है, एस वी का ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, अगर इसे स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, देन अगेन इस केस में कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा, कॉल होगा फिफ्थ कंस्ट्रक्टर, स्ट्रिंग बिल्डर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। दिस इज द पर्पज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग क्लासेस, के अलावा भी कई सारे कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओनली इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर जो कि आपको फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होंगे।